पाँच साल की पारी खेली है और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष को और धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने हाईकमान का, श्रीनिवास जी का, यादव जी का, जिन्होंने जाबाज सिपाही, युवा सिपाही को सहारनपुर में एक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। धन्यवाद के पात्र भी है और बधाई के पात्र भी है। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि आदेश हुआ है मंच से, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष यूथ का होने के नाते फिलहाल मैं किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। जो युवा साथी होंगे, मैं नितिन भाई को पूरी ताकत से इनके साथ में युवाओं को जुड़ाऊंगा और कांग्रेस को मजबूत करने में किसान कांग्रेस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। बेईमान है किसान प्रकोष्ठ भी, बेईमान है। एक दिन आकर कर फिर यह कह दिया कि साहब हम इसमें से विड्रा कर रहे, किसानों के आंदोलन में से, किसान संघ जो का भाजपा का है। इसी तरह श्रमिक वाला इतना बड़ा रद्दो बदल कर दिया श्रमिक उसमें आंदोलन में, श्रमिक कानूनों में, कि कोई भी फैक्ट्री है बगैर किसी को नोटिस दिए एक महीने की नौकरी दे कर एक महीने में उसे कह देंगे अपने घर जाओ। ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा अन्याय हुआ है युवकों के साथ में कि जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो साथियों, अब ये यूथ कांग्रेस के माध्यम से फार्म भरवाए जाएंगे, प्रयास करेंगे जहाँ हम अपने प्रयास से कर सकते हैं। और नहीं तो भाई, जब आप लोगों के सहयोग से ये तख्ता पलट होगा, उसके बाद में वही कांग्रेस का जो पिछला स्वरूप है नौकरी देने का नौजवानों को, वही आपको दिखाई देगा। उसके लिए आप लोगों को काम करना है। मैं एक बार फिर आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, अपने युवक कांग्रेस के अध्यक्ष का, नितिन का अभिनंदन करता हूँ। और जो हम सब कांग्रेस के साथी, हमारे विधायक जी, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इन्हें बल देने के लिए और कांग्रेस को। बच्चों, लड़कों ने यूथ कांग्रेस या कांग्रेस ज्वाइन करी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। साथियों, विधायक जी थोड़ा सा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे बीच में एक दो तीन चार चार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पुराने यहाँ मौजूद हैं। और यूथ कांग्रेस किस तरह चलती है, ये बड़े जोश के साथ चलती है, ये इसका तजर्बा हमें है। तो यूथ कांग्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी चीज़ को बदलने में, शक्ति में ताकत रखती है। और बड़े से बड़ा आने वाला जो दौर है, जो भविष्य है युवाओं का, जिसमें हमारा रोज़गार छुपा हुआ है, रोज़गार छीन लिया है सरकार ने, उसको, उस लड़ाई को सबसे अहम किरदार अगर कोई निभा सकता है वो यूथ कांग्रेस और NSY करण के निभा सकते हैं, हमारा मानना है। अब नितिन भाई के पास ये सारी चीज़ें आई हैं, नितिन भाई किस तरीके से संगठन को लेकर चलते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों के किस तरीके से सहयोग लेने का काम करते हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में जब कभी भी किसी तरीके का यूथ कांग्रेस को, NSY को या किसी भी साथी को जरूरत पड़ेगी तो पूरी कांग्रेस डट के उनके साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत। यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया है, मुझे यकीन है कि वर्तमान में वो जरूरत भी है और आपकी वो अपेक्षाएं पूरी हो। मैं केवल एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय के अभाव में हम आप लोगों से राबरा रोज होते रहेंगे। लेकिन आज एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि जिस वक्त नौजवान आगे बढ़ता है, उसकी सोच आगे बढ़ती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो देश का निर्माण भी होता है और सही चीज़ों का निर्माण भी होता है। क्योंकि नौजवान के अंदर कहीं भी भारत के अलावा, आस्था के अलावा कोई दूसरा चीज़ें घुसती नहीं है, कहीं ना कहीं इधर उधर से जो आती हैं उनका तोड़ भी नौजवान ही करता है। और युवक कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है देश के अंदर। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और जिन हमेशा जिनके मार्ग निर्देशन में हमने काम किया है, दो बार 10 साल विधायक रहे और हमेशा गरीब मजलूम के साथ हमेशा खड़े रहने वाले हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक जनाब सुरेंद्र कपिल साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष DCC और AICC मेंबर बड़े भाई जावेद साबरी साहब, किसान कांग्रेस के हमारे भाई सुरेंद्र मलिनवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष DCC भाई शशि वालिया साहब, उल्फान अंसारी साहब, अशोक सैनी साहब और संचालन कर रहे भाई छोटा भाई हारिश, और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी
साथियों, वैसे तो बड़े भाई जब बोल लेते हैं तो कोई औचित्य नहीं रह जाता कि हम लोगों के बोलने का। बड़े भाई ने नियम स्थगित कर दिए, लेकिन लेकिन उन्हीं का ही आदेश हुआ है कि भाई 2 मिनट आपको बोलना है। मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूं। सबसे पहले अपने युवा साथी भाई नितिन शर्मा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यूथ कांग्रेस की जब से कमान संभाली है तब से निरंतर हमारा युवा यूथ कांग्रेस से जुड़ने का काम लगातार करने का काम कर रहा है। आज भी जिस तरह से हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने ज्वाइन किया है, मैं यकीन दिलाता हूं अपने सभी मेरे छोटे भाई हैं कि इस परिवार में उनको मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके सभी किसी भी तरह का मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। और कहना चाहता हूं कि चूँकि जब जब भी कोई बदलाव हुआ है, इतिहास गवाह है, तो युवाओं के जरिए बदलाव हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इन जन विरोधी पार्टियां जो सत्ता में काबिज हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, इन फिरका प्रस्तावों को भी अगर उखाड़ फेंकने का काम करेगा तो युवा, हमारा युवा ही करेगा। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों के प्रति संवेदनशील रही है, और इसी तरह से जिस तरह से हमारा युवा बेरोजगार, जिनके लिए बबड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे 2 करोड़ रोजगार देने के हर साल, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देना तो दूर, पिछले साल में और आज तक में भी बेरोजगारी की दर 1 साल के अंदर 2 गुनी हो गई। इन 30 सालों में हजारों कारखाने, हजारों संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। रोज उत्तर प्रदेश में तीन युवा बेरोजगार आत्महत्या करने का काम करते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने एक कार्यक्रम के तहत प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में नौकरी संवाद के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है, और हमारे सभी युवा गांव-गांव तक जाकर के अपने जो युवाओं की मांग है उनको, उनसे सुनने का काम करेंगे, चाहे वो नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। आज युवा कांग्रेस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसकी शुरुआत आज 4 तारीख से हुई है। हम प्रत्येक ब्लॉक में जाएंगे और बेरोजगार युवाओं को ये फॉर्म भराएंगे, और फॉर्म भराने का असली मोटिव ये रहेगा कि जो सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ है वो रोजगार? सिर्फ बातें हैं, रोजगार के नाम पर ठगी का काम हो रहा है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें बेचने का काम हो रहा है। जितने पिछले 30 सालों में कल कारखाने बंद किए गए हैं उनका कुछ अता पता नहीं। युवाओं को अस्थाई रोजगार की आज आवश्यकता है। अगर युवा मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा, जिसके लिए बहन प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर, भाई ओमवीर यादव जी के आह्वान पर ये प्रोग्राम ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया है युवा कांग्रेस द्वारा, जिसमें युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वो ब्लॉक अध्यक्ष हों, वो विधानसभा अध्यक्ष हों, सभी उपस्थित रहेंगे, महासचिव और प्रभारी उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में ये कार्य को अंजाम दिया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक में घर घर जाकर 2-2, 3-3 हज़ार फार्म भरवाए जाएंगे, ताकि युवाओं को पता चले कि सरकार ने किस प्रकार से उनके साथ ठगी की है, जाति की है। कभी कहते हैं 15 लाख आएंगे, कभी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार होंगे, ये सिर्फ बातें हैं और जुमलों से सरकार नहीं चलती। अगर किसानों की बात करें तो कांग्रेस का शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन का पहले दिन से ही पूर्ण समर्थन है, और अगर किसानों के पास पैसे नहीं होंगे तो कारखाने तो ऑब्वियस है कि बंद होंगे ही होंगे, और उसी के लिए, उसी के चलते यूथ कांग्रेस ने ये अभियान शुरू किया है। धन्यवाद। आपका कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपका मार्गदर्शन किसानों? किसानों के लिए जो पिछले 3 महीने से लगातार जो आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन बिल्कुल जायज भी है,
सरकार किसी भी तीनों काले कानून जो उन्होंने लाए हैं बिना सोचे समझे लाए हैं, और किसी भी किसान को जब उसकी आवश्यकता नहीं है, किसान लिख के दे रहे हैं कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप उनकी जेब में ज़बरदस्ती डालने का काम कर रहे हैं। ये आपकी तानाशाही है।